साधक और स्पिरिचुअलिटी के इस वेब सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं विभा मिश्रा। हमारा आज का टॉपिक है गैजेट्स आर गॉर्जियस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट व्हाई इज इट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इन टुडेज टाइम आर बिजी विद वन और द अदर गैजेट्स इन देयर लाइफ एज इफ द गैजेट इज देयर लाइफ पार्टनर। Everybody is having a smartphone in their hand and they are throughout their day most busy with their smartphone. जो smartphone है वो smartphone ना होकर उनका soulmate बन गया है। सब कुछ जानता है उनके बारे में, सब कुछ सुनता है, वो क्या कब कब क्या क्या इच्छा करते हैं, हर वह चीज़ आपका smartphone जानता है। तो इतनी घनिष्ठता gadgets के साथ क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ये भी है कि गैजेट्स डोंट रिटेलिएट। वो हमको पलट कर जवाब नहीं देते, हम जैसे चाहे उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, जब चाहे ऑन कर देते हैं, जब चाहे ऑफ कर देते हैं, जो मन चाहे ऐसा सो कर लें, पर गैजेट्स हमको पलट के जवाब नहीं देते, सब कुछ सह लेते हैं। सो वी फाइंड देम वेरी फ्रेंडली and that's why we make them our soulmate. लेकिन जीवित व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं है। जो जिंदा इंसान है उनके साथ आपको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है, उनके स्वभाव को, उनकी अलग अलग वृत्तियों को सहन करना पड़ता है। और आजकल के समाज की सबसे बड़ी कमी यही हो रही है, सबसे बड़ी हानि भी ये हो रही है कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन वह किसी काम की नहीं। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सके, अगर आप एक सुहृदय वाले इंसान नहीं बन सके जो दूसरों का दुख समझ सके, जो सुहृदय हो, जो दूसरों का तकलीफ खुद महसूस कर सके, अगर आप ऐसे इंसान नहीं बन सके तो हर तरह की पढ़ाई लिखाई उपलब्धि सब नष्ट है, सब किसी काज लायक नहीं। अगर आपके हृदय में 5 लोगों के प्रति करुणा, प्रेम और दया है, उनका दुख समझने का विचार है, तो आप एक फैमिली मैन बनते हैं। अगर आपके हृदय में 50 लोगों के लिए दया, प्रेम, कंपैशन, काइंडनेस है, आप उनका दुख समझने के लिए तैयार हैं, उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, उनके सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं, तो आप एक सोशल पर्सन बन जाते हैं। अगर आपके हृदय का दायरा और बढ़ता है, आप और उदार चित्त बनते हैं, 500 लोग से 5000 लोगों तक का दुख सुख से आपको असर पड़ता है, तो आप एक सामाजिक व्यक्ति बनते हैं, एक लीडर बनने के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं। और अगर आपके हृदय का दायरा कण कण के लिए धड़कता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़, 50 करोड़ लोगों के लिए धड़कता है, तो आप एक कंट्री के PM भी बनते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति के दुख की, सुख की चिंता करता है, उनके ग्रोथ की चिंता करता है और उनको ले के उसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, भाव है। और फिर अगर आपके हृदय में इस पृथ्वी लोक के सभी प्राणियों के लिए प्रेम, करुणा का भाव है, उनके दुख से आप दुखी हैं, तो आप बनते हैं एक कृष्ण भक्त। यही समय की ज़रूरत है। अपने हृदय की सहनशीलता को बढ़ाइए, उदारता को बढ़ाइए, एक अच्छे इंसान बनिए कि आप सामने वाले ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के दुखों को समझ सकें, उनके दुख को देख के आपका हृदय करुणाभूत हो सके, तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, तो आप भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ गैजेट्स के सहारे उनको अपना सोलमेट बना के अपना जीवन बर्बाद नहीं करिए। लोगों के साथ मिलिए और उनके सुख दुख में हिस्सेदार बनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।